गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, इस समय आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने अब तक पढ़ा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में आपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस थे, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो बच्चों, आपने क्या सीखा है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किन कहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ओके, हमने आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाया है, तो अब आपको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस या यूनिट फ्रैक्शंस, ये आपको लर्न होने चाहिए। साथ में ये भी याद होना चाहिए कि जो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, अच्छा, अब आपको यहाँ पर हमने कंपेयरिंग करना भी बताया था, लाइक फ्रैक्शंस में जब किसी के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो कंपेयर हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर, एंड जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होता है, एंड जो कम होता है न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट होता है। ओके, इसी प्रकार से जब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर सेम होते हैं तो इस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। ओके, और इस कंडीशन में जस्ट अपोजिट होते हैं, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होता है यानी स्मॉल होता है वो फ्रैक्शन ही ग्रेटर होता है, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो यानी ग्रेटर होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो अब आप समझ गए, चलिए लाइक फ्रैक्शन में तो इजी था, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं बच्चों, इनको कंपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही वो भी सिंपल लगते हैं। केवल इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमको या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं, या सेकेंड मेथड होते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं, और इसके बाद उन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब इस में आपको दिया गया है, राइट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अनलाइक फ्रैक्शन। बच्चों देखो, अनलाइक फ्रैक्शन से और इन्हें आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जितने डिनोमिनेटर्स से जैसे 3/9, 2/3, 5/6 एंड 7/12, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए बच्चों आपको फैक्टर्स लर्न होने चाहिए, जैसे 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3/9, 3 के फैक्टर्स 3/1, 6 के फैक्टर्स 2/6 एंड 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 2/4, 3/12। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी सिखाया है एलसीएम फाइंड करना, एंड डिवीजन मेथड से भी आप कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, सब क्या करना है बच्चों, देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड किए हैं। डिवीज़न मेथड में बहुत इजी होता है, प्राइम नंबर्स से ही हम डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स बच्चे कौन से होते हैं, लर्न है आपको, 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स वे जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, यानी एक 1 जिसमें 1 का मल्टीप्लाई हो तो, और खुद वो इटसेल्फ नंबर। ओके, अब आप 2 से देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 एंड 12 2 से डिवाइड होंगे, 9 एंड 3 नहीं डिवाइड होते हैं, तो 9, 3 को ऐसे ही लिख देते हैं। आप 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आता है, एंड 12 को डिवाइड करेंगे तो 6। अभी हमारे पास 6 है बच्चों, हम तब तक डिवाइड करते हैं एक ही नंबर से जब तक कि वो डिवाइड होता रहता है, ठीक है। अब देखिए 6 है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2, 3 + 6 9 वैसे ही लिख दिया, 3 भी इसी तरह लिख दिया, 3 एंड 2, 3 + 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ से
थ्री थ्री एंड नाइन, ये टू से डिवाइड नहीं हो सकते, अब टू के बाद हम डिवाइड करेंगे थ्री से, ठीक है। थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री से सब डिवाइड हो गए। अभी वन थ्री बचा है तो वो भी हमारा किससे डिवाइड होगा, थ्री से, तो हम फिर से थ्री से डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक वन नहीं आ जाता, ओके। अब देखिए फैक्टर्स आ गए, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, बच्चों मैंने पहले टू से डिवाइड किया, फिर टू से डिवाइड किया, फिर थ्री से, फिर थ्री से, तो ये फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, कैसे किया आपने, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स, तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया 36। सारे डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम फाइंड किया 36। अब आप क्या करना है, सबसे पहले आप कीजिए 3/9 लिख लिया, अब 9 से 36 को डिवाइड कीजिए बच्चों, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे, क्वेटेंट इज 4, 4 का मल्टीप्लाई अब बच्चों यहाँ पर 3 में भी करेंगे एंड 9 में करेंगे, तो यहाँ पर 3 4 जो 12 एंड 9 4 जो 36। ये मैं इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। अब इसी प्रकार से सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे 2/3, तो यहाँ पर अब 36 को किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर जो होगा बस उसी से डिवाइड करें, तो डिनोमिनेटर क्या है अभी 3, 3 से 36 को डिवाइड कीजिए 12, जो क्वेटेंट आते हैं बच्चों उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। देखिए 12 आया, 12 का हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो 12 टू चार 24, 12 थ्री चार 36। अब देखिए पहले में भी डिनोमिनेटर 36, सेकेंड में भी डिनोमिनेटर 36। अब थर्ड फ्रैक्शन लेंगे 5/6, ओके बच्चों, 5/6 में आप 6 से डिवाइड करेंगे 36 को, क्वाड्रेंट इज 6, 6 से 36, 6 से मल्टीप्लाई करिए 5 को एंड 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 30/36। फ्रैक्शन नंबर 4, 7/12, 12 से डिवाइड करना है 36 को, यानी 12 थ्री ज़ा 36। आपने देखा मैंने प्रत्येक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम क्या था यहाँ पे 36, तो प्रत्येक डिनोमिनेटर से 36 को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो भी क्वेटेंट आया है उसका हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमने 36 को डिवाइड किया था 12 से, तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 7 में एंड 12 में, 7 थ्री चार 21, 12 थ्री चार 36। बच्चों देखिए अब लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो अब आपको क्या कंपेयर करनी है, न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर में बच्चों देखिए यहाँ पर पहले तो हमने वैसे ही फ्रैक्शन लिखी 3/9, 2/3, 5/6, 7/12। अब आपको जो फ्रैक्शंस अभी बने हैं न्यू, जैसे यहाँ पर 12/36 जो लाइक फ्रैक्शंस बने हैं, अभी तो अनलाइक फ्रैक्शंस थे, अब लाइक फ्रैक्शंस में सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा है 3/9, क्यों, क्योंकि 3/9 यानी 12 सबसे छोटी है, 12 के बाद क्या है 21, 21 से बड़ी क्या है 21 से बड़ी 24 एंड 24 से बड़ी 36, तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस लिख दिए 3/9, है ना। देखिए 12/6 के क्या है 3/9, इसके बाद हमने लिखा है 7/12, 7/12 यानी 21/36। इसी प्रकार से 2/3 किसका है, 2/3 देखिए ये आया ना 24/36, एंड जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो है हमारा 30/36 यानी 5/6, ओके बच्चों। अब डिसेंडिंग ऑर्डर तो जस्ट अपोजिट होता है ना असेंडिंग का, तो आप इस तरीके से, अच्छा अभी मैंने यहाँ डिवीज़न मेथड से फाइंड किया था एलसीएम को, और यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिया। हमको फैक्टर लर्न है, जैसे हम आपको बताते हैं आपको फैक्टर लर्न करनी है, बार बार हम फाइंड नहीं करेंगे, हमको इतना लर्न होना चाहिए, इतने ईजी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी हमने ये किया, ये दिया है 1/5, 2/5, 7/20 एंड 3/18, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है बच्चों। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम इसमें
प्रत्येक डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो डिनोमिनेटर्स यहाँ है 5, 15, 20 एंड 18। तो अगर आपको डिवीजन मेथड, ये मेथड इजी लगता है तो इस मेथड से कीजिए, अदरवाइज आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बताए, फैक्टराइजेशन मेथड से करें। 5 1 5, 3 5 15, 2 2 4, 5 20, 2 3 16, 3 18। तो बच्चों अब इसमें हमने जो अधिक से अधिक कोई भी, आप जैसे यहाँ 5 है, 5 1 times आया तो मुझे लेना है, ठीक है, और 3 3 यहाँ 1 times है, यहाँ 2 times, तो हमको 3 2 times लेना है। एक तो कॉमन हमने आपको पढ़ाया था ना, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स ले लेंगे, इसके बाद अदर मल्टीपल्स। ओके, तो अब यहाँ पर 2 कितने times आए, 2 times, 3 2 times आए हैं एंड 5 1 times, तो हमने आपस में मल्टीप्लाई किया 180। अब आपको वही प्रोसीजर अपनाना है जैसे आपने फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिया 1/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, क्वेटन जितना आएगा फिर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर आप सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे 2/15, तो यहाँ 15 से 180 को डिवाइड करेंगे 24 आ जाते हैं, सॉरी 12 आते हैं, 12 का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना है। इसी प्रकार से फिर आप 7/20, तो यहाँ 20 से बच्चों आप देंगे 180 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना है, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में करनी है। इसी प्रकार से लास्ट फ्रैक्शन होगा 3/18, समझ में आ रहा बच्चों, 3/18, 3/18 में 18 का से डिवाइड करना 180 को, जब 180 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 into 10, 10 का मल्टीप्लाई आपको करना है सब में। अच्छा, अब इसी प्रकार से आप इनको कंपेयर करेंगे, जब लाइक फ्रैक्शन बन गए तो कंपेयर करने आपको न्यूमरेटर, और इनको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसी प्रकार से अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कंपेयर द फ्रैक्शंस, राइट द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ पेयर। तो ये पेयर्स वाले तो आपको समझ में आ ही गए होंगे बच्चों, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आपको लेकिन यहाँ तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या वही प्रोसीजर जो अभी आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया था कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 3 and 7 दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम आ गया 21। फिर आपने क्या किया है, यहाँ पे 21 यानी 3 से डिवाइड करिए 21 को 7, इसके बाद 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रकार 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 आएगा, एंड 3 का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करना है, यानी 35/21 एंड 33/21। तो बच्चों इसमें ग्रेटर कौन से है, क्योंकि ये तो लाइक फ्रैक्शन हमने कर लिए, लाइक फ्रैक्शन करने के बाद ही आप कंपेयर कर पाएंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 into 4 is equal to 8 एंड 3 into 1 is equal to 1। अब ये तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लेकिन बच्चों जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, यहाँ 3 and 4। ओके, अगर यहाँ इवन और प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम कैसे निकलते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, एलसीएम इसका कितना है 12, आ गया ना 12, तो 8/12 and 1/12, ये क्या है बेटा, लाइक फ्रैक्शन कर लिए। तो अब इसमें आप बता सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको कंपेयर करना सिखाऊंगी। ओके बच्चों, बाय बाय।